तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं श्री राम इलेक्ट्रिक ई बाइक्स में, गुजरात में। तो चलते हैं शोरूम के अंदर। यहाँ पे आप बोल्डिंग देखिए, श्री राम ऑटो इलेक्ट्रिक, कल्पेश भाई राम और प्रणव भाई चुडासमा के ये शोरूम है। यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलती है, इसकी क्या रेंज मिलती है, यहाँ पे डेमो के लिए ये दो बाइक्स खड़ी है। ये बैग देखिए क्या ही प्यारी लग रही है। अंदर चलते हैं शोरूम के और बात करते हैं शोरूम के ओनर से। और ये आप बाइक देख सकते हैं, ये सब बाइक्स के। और सबसे पहले मिलते थे शोरूम के ओनर से। जी सर, आपका नाम बताइए। तो ओनर का नाम प्रणव भाई चुडासमा है और यहाँ के ओनर है। एक बार फिर से आपको दिखा दो श्री राम ऑटो इलेक्ट्रिक बाइक्स की। आजकल जो पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए ये सभी ने ये फैसला किया है और हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट करती है कि आप ई व्हीकल लीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ई व्हीकल्स पड़े हुए हैं, तो आज हम वन बाय वन सबकी बात करेंगे। यहाँ पर भाई ने बताया कि यहाँ पर दो कंपनीज की बाइक है, एक है दिवास की, ये दिवास की बाइक है, और एक है ये ओकिनावा की, ओकिनावा कंपनीज की ये बाइक है। तो ये है प्रणव भाई, और प्रणव भाई से मिल लेते हैं, उनको पूछते हैं कि ये शोरूम कितने टाइम से है। प्रणव भाई, अभी तक 6 महीने से शोरूम स्टार्ट किया है अभी। तो भाई बता रहे हैं कि ये शोरूम आपने 6 महीने से स्टार्ट किया है, क्या आप इसमें लोन करा सकते हैं? हाँ सर, ठीक है, यहाँ पर लोन क्रेडिट कार्ड पर भी हो जाता है, ICICI बैंक में दोनों पे हो जाता है। और ये जो आपका डीलर है, ये आपकी कौन सी कंपनीज है और ये कहाँ की है? दीवा कंपनी ये आपने गुजरात की है, गांधीनगर से की है, और ये ओकिनोवा वो जापान टेक्नोलॉजी है, इसका मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान में। तो इसके बाद ये सर्विस का क्या हिसाब रहता है? सर्विस का इश्यू कोई इतना ज़्यादा नहीं है, सर्विस सेंटर भी यहीं पर है श्रीराम भी, और इसके किलोमीटर रेंज पर है 2500, 1500, 1200। अच्छा, तो भाई ने बताया कि इस ईवी व्हीकल्स में कुछ खास सर्विस की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब 1200 किलोमीटर चल जाती है तो फर्स्ट सर्विस होती है। तो फर्स्ट में तो इसका सब चेकअप होता है, उसके बाद इसकी बैटरीज की बात करते हैं। तो हम ओनर से पूछते हैं कि इसकी बैटरी लाइफ क्या है उसके बारे में। बैटरी की गारंटी 3 साल की आती है, उसके ज़्यादा ही चलती है, पर मैक्सिमम वारंटी इसकी 3 साल की आती है। अगर 3 साल तक अपनी बाइक्स के बैटरी में कुछ भी इशू आया तो भाई कह रहे हैं कि वो बदल के देंगे। तो अब बात कर लेते हैं बाइक्स की। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारी बाइक्स। तो ये अपने रेपिडो की इलेक्ट्रिक स्कूटर दीवा कंपनी, इसके आप लुक देखो, ये अभी मैट ब्लैक कलर में है। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, इसकी ग्राउंड क्लियरनेस भी अच्छी है। यहाँ पर आपको रेपिडो की बेजिंग दी गई है और ये इसके ओवरलॉक लुक आती है। अब आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। यहाँ पर आपको हॉर्न दिया गया है, स्विच दिए गए, लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, इंडिकेटर के कंट्रोल से। यहाँ से आप इसके गियर्स आते हैं, ये रिवर्स गियर में भी चलती है नहीं चलती है, हम भाई से बात करेंगे। ये आपको डिजिटल मिलता है, ये अभी पार्किंग मोड में है। तो मिल लेते हैं भाई से और पूछते हैं कि ये क्या क्या फीचर सपोर्ट करती है और क्या प्राइस में आती है। तो प्रणव भाई ये बताइए, ये रेपिडो की ये कौन सी बाइक है? रेपिडो की रेपिडो दीवा कंपनी की रेपिडो बाइक से। अच्छा, इसमें टॉप स्पीड 40 की आती है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये आती है, 60 किलोमीटर से। अच्छा, इसमें चार्जिंग टाइम लगता है अभी। हाँ अच्छा, तो भाई आप ये बताओ कि इसकी रेंज कितनी है? रेंज इसकी 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये इसकी कुछ कीज है जो भाई के हाथ में, इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, इसमें आपको। तो बात कर लेते हैं कि इसकी की में कौन कौन से फंक्शन हमें दिए गए हैं। इसमें हमको ये लॉक अनलॉक, एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप अपने बाइक को लॉक कर अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से ये अपनी बाइक साइरन करती है और ये लॉक है, अपनी अभी बाइक लॉक हो गई है। इसको आगे कोई छेड़छाड़ करे तो इसका ये पीछे का चक्का है, वो मतलब पीछे का व्हील है वो जाम हो जाता है, वो नहीं चलता। ये बहुत ही अच्छा फीचर है ताकि आपकी बाइक कभी कोई चोरी ना कर सके। अगर हमें अपनी बाइक में ऐसे फिजिकल की नहीं लगानी है इस तरह से, तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, आपको अगर ऐसे फिजिकल की नहीं लगानी है, ये अपनी बाइक स्टार्ट हो गई,
तो आप इसको डायरेक्ट रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसको आप अगर दो बार दबाएंगे तो अपनी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये अपनी बाइक स्टार्ट हो गई है। अगर पीछे से इसकी लुक दिखाऊं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है साइड में इंडिकेटर से। ये एसेसरीज का पार्ट है जो कि कंपनी फिटेड है पीछे के पोर्शन के लिए। इसके टेल लाइट है। ये दूसरी है रैपिडो की। ये स्काई ब्लू कलर में है। इसके आप लुक देखो, स्काई ब्लू कलर में यार ये बहुत ज़बरदस्त लगती है, मेरा तो दिल आ गया इस पर। आगे भी इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, ये वही सेम गाड़ी है। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो भी भाई बताएंगे। ये बाइक कीज़ ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी फर्स्ट गियर में है। यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ से आप इसके फर्स्ट सेकंड में अभी 20 से 25 की स्पीड आएगी, उसके बाद सेकंड गियर में करने पर 30 या 35 स्पीड आएगी, और तीसरा गियर पार्टनर पर उस पर 40 स्पीड आएगी। 40 से ज़्यादा अभी स्पीड नहीं आएगी इसमें रैपिडो पर। और उनके अलावा ये रेड कलर का दूसरा रिवर्स मोड भी आता है इसमें, रिवर्स मोड में 5 या 6 की स्पीड पर चलती है। तो मतलब भाई के कहने का मतलब है कि ये बाइक है जो आगे तो घूम ही सकती है, मगर हम कहीं ढलान में या हमको बाइक कहीं पीछे लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ये इसका व्हील है, ये इसको हम पीछे भी रोटेट कर सकते हैं। एक बार भाई करके दिखाएंगे, इसका व्हील पीछे की तरफ रोटेट करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये इतनी स्पीड में ये पीछे भी घूम सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके वेट कैपेसिटी की। इसमें आप कितने बंदों को बैठा सकते हैं? इसमें आप 150 तक की कैपेसिटी है इसमें। मतलब आप तकरीबन 2 बंदों को आराम से बैठा सकते हैं। 2 बंदों तक की इसकी कैपेसिटी है इस बाइक की, या आपको 2 बंदे तक की वजन झेल सके। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको कुछ स्टोरेज दिया गया है जो कि मैनुअल है, इसको ऐसे आप खोल सकते हैं। अच्छी खासी स्टोरेज है यार ये तो, ये फंक्शन बहुत ही बढ़िया है, इसको आप ऐसे ऑफ कर सकते हैं। ये है आज की स्पेशल बाइक ओकिनावा की। यह बाइक पूरी तरह से जापान टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और यह है आई प्रेस प्लस इस बाइक का नेम है। और यह बाइक काफ़ी मजबूत भी लगती है। आप अगर इसकी प्लास्टिक क्वालिटी बात करें, अगर हम कार में बात करते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो, ये काफ़ी मजबूत बाइक है। लग तो ऐसा रहा है कि अभी खरीद लूँ यहाँ से। एक बार इसका ओवरऑल लुक देखिए, यहाँ पर आपको इसकी कुछ स्टोरेज दी गई है, और यह है इसका ऊपर स्पीडोमीटर जो कि पूरी तरह से डिजिटल आता है। एक बार हम इसकी कीज दिखा देते हैं, यहाँ से आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। ये हो गई ऑन, और इसमें लिखा आ रहा है कि ये 72 किलोमीटर प्रति ओवर की स्पीड पकड़ लेती है। जब अभी हम टॉप स्पीड की बात करें, ये इसके कुछ कंट्रोल से, ये इसके इंडिकेटर से कंट्रोल हो गए। यहाँ से आप बाइक को ये मैक्सिमम 69 तक जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इसके थर्ड गियर की बात करें तो 73 तक जा सकती है। बाइक पहले सेकंड गियर में थी। तो ये है ओकिनावा की आई प्रेस प्लस। जब हम मोपेड की बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या भैया यहाँ पर हम सिलेंडर रख पाएंगे? तो देख ही सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेंडर बिल्कुल ही कंप्लीट आराम से आ जाएगा। सिलेंडर इतना डिसेंट स्पेस है कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये और ये डेढ़, इतना ज़्यादा स्पेस है क्योंकि मेरी हाइट भी अभी 7 फुट है। ये रेड कलर में आपको दी गई है बाइक पूरी तरह से। इसमें कलर ऑप्शन मिलते हैं लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप श्रीराम इलेक्ट्रिक बाइक्स को विजिट करते हैं, भाई से पूछ लेते हैं कि क्या इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी अवेलेबल है, इसमें लोन भी हो जाएगी या भाई बता दीजिए आप। इसमें सब्सिडी 20,000 आती है, तो इसकी लोन प्रोसेस भी हो जाती है, तो इसकी प्राइस 1,28,000 रुपये आती है। 1,28,000। तो ये इसकी DRL है। ये रात में तो यार काफ़ी प्रीमियम और ऑसम लगेगी, लेकिन ये दिन में भी देख सकते हैं आप। ये बाइक का ओवरऑल लुक देखिए। अगर आपको भी कोई ख़रीदनी है इलेक्ट्रिक बाइक तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भैया ये आपका शोरूम कहाँ पड़ता है? न्यू बस स्टेशन कावेरी होटल के लिए श्रीराम मोटर इलेक्ट्रिक की बाइक। हाँ, और यहाँ पर भी भाई ने बैनर लगाया होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको 12,000 या 20,000 जो भी स्कीम अवेलेबल होगी वो आपको सब्सिडी दी जाएगी पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स, आई होप आप